हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग रिएक्ट हुक्स के बारे में सीखेंगे। सो रिएक्ट हुक्स एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है रिएक्ट में, और इसे यूज़ करके हम लोग यू नो कुछ फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेट प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह के और काफ़ी सारे हुक्स है जो रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इतना यह ध्यान में रखेंगे करंटली अल्फ़ा फेज़ में है, मतलब कि इस फीचर को आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल राइट ना नहीं कर सकते, ओके। पर हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं और देखेंगे कि कैसे वो रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैंने रिएक्ट हुक्स नहीं यूज़ किया है। यहाँ पर स्टेट में करंट रिसोर्सेज है और दो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियो बटन्स है, जिनके ऑन चेंज पे मैं ये स्टेट जो यहाँ पर है वो चेंज कर रहा हूँ, और मैं इस कंटेंट कॉम्पोनेंट को वो पर्टिकुलर स्टेट जो है पास कर दे रहा हूँ, और इसका नाम मैं चेंज करके रिसोर्सेज कर रहा हूँ, ओके। और कंटेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग कॉम्पोनेंट डिड माउंट में फेच रिसोर्स कॉल कर रहा हूँ, जो इस पर्टिकुलर API को हिट करके जो डेटा आ रहा है वो स्टेट में डाल दे रहा है यहाँ पर, ओके। अब देख सकते हैं स्टेट पहले एम्प्टी है, और जैसे ही स्टेट में वो चले जाएगा वो JSON स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ पर मैं रेंडर कर रहा हूँ। और जैसे ही हम लोग टॉगल करते हैं फोटोज़ और टूडूज़ के बीच में, तो तभी आप देख सकते हैं कॉम्पोनेंट डिड अपडेट में मैं चेक करता हूँ कि वो दोनों रिसोर्सेज चेंज हैं, अगर चेंज है तो फिर से मैं वो रिसोर्स कॉल करता हूँ, ओके, ताकि वो अपडेटेड डेटा आए और यहाँ पर अपडेट हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो ऐप है हमारा, मैं उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर रिएक्ट हुक्स में यूज़ करने के लिए ट्राई करूँगा, ओके। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऐप डॉट जी एस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेट है, करंट रिसोर्स करके स्टेट है, और हम लोग को अकॉर्डिंगली यूज़र कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करता है वो हिसाब से इसे चेंज करना है। तो रिएक्ट हुक्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इस स्टेट को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट को इसे मैं स्टेटलेस फंक्शनल कॉम्पोनेंट बनाता हूँ। कॉन्स्ट लिखता हूँ, रिमूव करके यहाँ पर एरो फंक्शन बना देता हूँ, ओके। और एंडर मेथड को यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा, यहाँ से भी क्वेश्चन को मैं रिमूव कर दूँगा। सो अभी हम लोग इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट से स्टेटलेस बना लिए, पर अभी ये स्टेट कहाँ मेंटेन रखे, ओके। अभी कहीं ना कहीं तो हमें मेंटेन रखना पड़ेगा ये कौन सा सिलेक्टेड रेडियो बटन है या कौन सा सिलेक्टेड ऑप्शन है, ताकि वो हम लोग इसे कंटेंट को पास कर सकें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर use state hook का इस्तेमाल करेंगे। तो use state hook बेसिकली आप यहाँ पर react पैकेज में, यहाँ पर आप कॉम्पोनेंट यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ मैं, उधर कॉमा करके मैं use state को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ओके। अभी यहाँ पर use state को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं use state को कॉल करने के लिए यहाँ पर मैं दूंगा वैल्यू, और यहाँ पर मैं देता हूँ सेट वैल्यू, ओके। और यहाँ पर होगा इक्वल टू यूज स्टेट, इक्वल टू यूज स्टेट, और उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो हमें देखना है, बूलियन है, एरे, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे बाय डिफ़ॉल्ट टू डूज सेलेक्टेड रखना है, इसलिए यहाँ पर मैं टू डूज इस तरीके से डाल दूँगा, ओके। सो अभी यहाँ पर ये स्टेट ऐड हो गया है। तो ये अगर आपको सिंटैक्स समझ में नहीं आया तो ये बेसिकली एरे डीस्ट्रक्चरिंग है, मतलब कि अगर यही सेम लाइन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कॉन्स्ट स्टेट इक्वल टू यूज स्टेट टू डूज, और मैं इस तरीके से लिखूँगा वैल्यू इक्वल टू स्टेट ज़ीरो, कॉन्स्ट सेट वैल्यू इक्वल टू स्टेट वन, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन में हम लोग ये तीनों फंक्शनलिटी कर सकते हैं, ओके। सो डीस्ट्रक्चर करके हम लोग बेसिकली जो एरे रिटर्न कर रहा है उसका पहला इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स को हमने नेम कर दिया ताकि हम लोग उसे एक्सेस कर सकें, ओके। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, ओके। सो मैं सब इसको रिमूव कर देता हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर ये सिंटैक्स यूज़ करूँगा, और आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में आपको यही सिंटैक्स मिलेगा। और यहाँ यही नाम नहीं देना, आप कुछ और भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो वैल्यू की जगह मैं चेंज करके इसको यहाँ पर रिसोर्स कर देता हूँ, और यहाँ पर सेट वैल्यू की जगह मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेट रिसोर्स, ओके। सो अभी यहाँ पर मुझे ऑन चेंज इवेंट में भी चेंज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर दिस डॉट हैंडल चेंज था। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो रिसोर्सेज है, इस पर्टिकुलर स्टेट जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो उसका स्टेट जो है यहाँ इस पर्टिकुलर इसमें स्टोर है, और सेट रिसोर्स जो है वो पर्टिकुलर इसमें स्टोर है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये एक स्ट्रिंग है तो रिसोर्स एक स्ट्रिंग होगा, ओके। और सेट रिसोर्सेज जो है ये सेट स्टेट के जैसे वर्क करेगा। तो अगर आपको ये रिसोर्स को मॉडिफाई करना है तो सेट रिसोर्स कॉल करके आप ये जो स्टेट है यहाँ पर उसको रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पर मैं ऑन चेंज इवेंट में यहाँ पर एक फंक्शन दे देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं सेट रिसोर्स को कॉल करूँगा,
ओके, और मैं इसको यहाँ पर इवेंट इसको रिसीव होगा, और वही सेम चीज़ मैं अभी सेट रिसोर्स को पास कर देता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, और फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और फिलहाल सिर्फ रिसोर्सेज को मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। ओके, और आप यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यही सेम चीज़ मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज ये सेम रहेगा फ़ोटोज़ के लिए भी। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियली हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू डूज़ दिया था, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रेंडर हो रहा है, ठीक है। पर अगर जैसे मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटोज़ हो जाएगा, मैं यहाँ पर टू डूज़ पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं और टू डूज़ हो जाएगा। सो बेसिकली हम लोग स्टेटलेस फंक्शन कॉम्पोनेंट में भी यूज़ स्टेट हुक यूज़ करके हम लोग उसको एक स्टेट दे सकते हैं। ओके, हम लोग को हमेशा हर चीज़ को क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर स्टेटलेस फंक्शन कॉम्पोनेंट को भी यहाँ पर स्टेट इस तरीके से दे सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग देने की ज़रूरत नहीं, आप उसको एरे दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, बूलियन वैल्यू दे सकते हैं, तो जिस तरह का स्टेट आपको बनाना है आप ये बना सकते हैं। और इस तरह का मल्टीपल आपको स्टेट बनाना है तो भी आप मल्टीपल स्टेट भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सक्सेसफुली हम लोग ऐप डॉट जे एस को यहाँ पर रिफैक्टर कर पाए, पर हम लोगों को आगे चल के इसको कंटेंट डॉट जे एस में जो कोड लिखा है उसे भी रिप्लेस करना है। तो इसे यूज़ करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर कंटेंट जो कॉम्पोनेंट है उसे यहाँ पर एंटर करता हूँ, और मैं उसको यहाँ पर से रिसोर्स पास कर रहा था, और उससे मैं यहाँ पर रिसोर्स जो स्टेट है मैं दे दूँगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो फंक्शनली बराबर वर्क करेगा अभी, और जो रिसोर्स यहाँ था मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अभी कंटेंट में यहाँ पर भी हम लोग को यूज़ हुक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी एक स्टेट है डेटा। ओके, और डिड माउंट पर फेच रिसोर्स कॉल होता है जो इस पर्टिकुलर राउट पर रिक्वेस्ट सेंड करके स्टेट में डेटा डाल देता है, और ये चीज़ कंपोनेंट डिड अपडेट में भी होती है अगर रिसोर्स चेंज हुआ हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर क्लास कंपोनेंट को स्टेटलेस फंक्शनल बना देता हूँ, मतलब कि क्लास फंक्शनल कंपोनेंट बना देता हूँ, यहाँ पर एक पल रूम, और ये कंपोनेंट डिड माउंट जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, और रेंडर मेथड को भी यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। ओके, तो अभी हम लोगों को कैसे स्टेट को एक्सेस करें, तो आप इजीली यहाँ पर स्टेट बना सकते हैं, यहाँ पर डीस्ट्रक्चर करके यूज़ स्टेट को यहाँ पर एक्सेस करता हूँ, और यहाँ जो डेटा है ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग करता हूँ, यहाँ पर मैं डेटा इक्वल टू सेट डेटा इक्वल टू यहाँ पर यूज़ स्टेट, उसको मैं यहाँ पर नल पास करूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट नल है। ओके, जैसे हम लोग स्टेट क्रिएट करते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट डाल रहे थे, तो उसी तरीके से हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नल दिया मैंने। ओके, और ये डेटा जो है मिल रहेगा यहाँ पर जो है वो रेंडर होगा। ओके, सो अभी यहाँ पर डेटा फेचिंग कैसे करें, हम लोग मेक श्योर करें कि कॉम्पोनेंट डिड माउंट में भी वो रिक्वेस्ट जाए और हम नया डेटा लेके आए, और जैसे ही रिसोर्सेज चेंज हो तो भी हम लोग एक नया डेटा लेके आ रहे हैं। यहाँ भी यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट या कंपोनेंट डिड अपडेट हम लोग नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ये क्लास लेवल कंपोनेंट नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं एक यूज़ इफेक्ट करके एक हुक का इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं यहाँ पर उसको ओपन करूँ, यूज़ इफेक्ट हुक जो है बेसिकली एक फंक्शन अपने एज आर्गूमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ओके, और ये एनोनिमस फंक्शन ये कंपोनेंट डिड माउंट में भी कॉल होगा, और ओके यहाँ कंपोनेंट डिड अपडेट के सिनेरियो में भी कॉल होगा। तो ये बेसिकली जब हर बार जब कंपोनेंट पहली बार माउंट होता है तभी कॉल होता है, और जब भी कंपोनेंट अपडेट हुआ हो, चाहे वो स्टेट चेंज होने से या फिर प्रॉप्स चेंज होने से, तो भी ये यूज़ इफेक्ट हुक रन होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है ये इस फेच रिसोर्स में जो कोड लिखा है मैं इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज सेम रहेगा, और इसको मैं रिमूव कर दूँगा। अभी यहाँ पर हम लोगों को रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो मैं दिस डॉट प्रॉप्स नहीं कर सकता बिकॉज़ ये स्टेटलेस फंक्शन कंपोनेंट है। यहाँ पर प्रॉप्स उसको एज अ पैरामीटर में मिलेगा। ओके, तो यहाँ सिंपली मैं दिस को यहाँ से रिमूव कर दूँगा बिकॉज प्रॉप्स उसे डायरेक्टली यहाँ से मिल रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर ये सेट स्टेट कैसे करें, तो उसके लिए ये जो डिस्ट्रक्चर यहाँ किया था मैं उसे कट करके यहाँ ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये जो सेट स्टेट है वो मैं यहाँ एक्सेस कर सकूँ, और डेटा जो है उसमें मैं चेंजेस कर सकूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं दिस जो है रिमूव कर दूँगा, और ये डेटा जो है मैं यहाँ पर एज अ पैरामीटर में पास कर दूँगा। तो न्यू डेटा जो है सेट स्टेट में डेटा चेंज हो जाएगा, जो इस पर्टिकुलरली इस यहाँ पर जो डेटा है आप उसे एक्सेस कर सकते हो, और जिसे स्ट्रिंगिफाई करके हम लोग यहाँ पर रेंडर करें। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, और एक कंपोनेंट डिड अपडेट का जो लॉजिक है मैं उसको कमेंट आउट करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि
हमारा ऐप जो है जैसा फंक्शनलिटी चलना चाहिए वैसा चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं डिड माउंट के टाइम पे भी ये कॉल हुआ और टू डूज यहाँ रेंडर हुआ। मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटोज़ का डेटा रेंडर हुआ। मैं टू डूज़ पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं टू डूज़ का डेटा रेंडर हुआ। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अननेसेसरी टाइम भी रेंडर होता है, मतलब कि जितने बार भी स्टेट चेंज हुआ, जितने बार भी कंपोनेंट री रेंडर हुआ है, उतने बार ये यूज़ इफेक्ट कॉल होता है। पर समटाइम्स हमें हमेशा इसे कॉल नहीं करना है, इसे कोई एक पर्टिकुलर सिनारो में ही कॉल करना है, बाकी ये मुझे ये एनवायरनमेंट फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक और पैरामीटर मिलता है। ओके, आप देख सकते हैं यूज़ इफेक्ट हुक में पहला एक फंक्शन है, दूसरा एक एम टी आर है जहाँ पर मुझे पास करना होगा जिसके चेंज पे ये पर्टिकुलर फंक्शन रन होना चाहिए वरना फिर वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये यूज़ इफेक्ट हुक तभी चेंज होना चाहिए, तभी कॉल होना चाहिए जब प्रॉप्स चेंज हुआ हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रॉप्स और रिसोर्सेस है वो यहाँ पर मैं पास कर दूँगा। ठीक है, तो अगर जैसे ये चेंज होगा जो है यहाँ पर नहीं, ये यूज़ इफेक्ट फंक्शन कॉल होगा, वो अपडेटेड डेटा ला के सेस्टेट करके डेटा को मॉडिफाई कर देगा और मुझे जेसन स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ रेंडर कर देंगे। मैं सेव करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा, फ़ोटोज़ रेंडर हुआ। मैं टू डूज़ पे क्लिक करूँगा तो टू डूज़ रेंडर हुआ। तो बेसिकली ये यूज़ इफेक्ट हुक काफ़ी पावरफुल है, यू नो, जो जो कोड हम लोग मल्टीपल जगहों पे लिखते थे जैसे कंपोनेंट डिड माउंट में लिखते थे, वो सेम कोड हम लोग कंपोनेंट के रिसीव प्रॉप्स में लिखते थे, तो हम लोग यूज़ इफेक्ट हुक यूज़ करके वो दोनों ही लाइफ साइकिल मेथड को ईजिली यहाँ पर रिप्लेस कर सकते। और यहाँ पर जो एम टी है एक और एरे जो है यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हुक के सेकेंड पैरामीटर में जो एरे ये वहाँ पर स्पेसिफाई तब करने से, तो यहाँ पर वो चीज़ें स्पेसिफाई होती हैं जिनके चेंज पे ये फंक्शन रन होगा। और एट गाइस, ये ट्यूटोरियल बस इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग जो है रिएक्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। सो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलता हूँ, बाय गाइस। हेलो एवरीवन, अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो इसी तरह का मैंने एक पूरा कंप्लीट कोर्स बनाया है जिसमें मैंने रिएक्ट, रिडक्स, मोबक्स इस तरह के सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट डिटेल में कवर किए हैं, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसे क्लिक करके आप जा सकते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको इजीली एक कोर्स में आप सारी चीज़ सीख सकते हैं। और इसमें कंप्लीट इस यूडेमी का 30 डेज रिफंड पॉलिसी है, अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो आप 30 डेज में रिफ़ंड भी यहाँ से मांग सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलता हूँ, बाय गाइज़।